नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यात्री सेंट्रल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के चार धाम में से एक यमुनोत्री धाम दर्शन करने से लेकर पूरी जानकारी लेकर आए। इससे पहले हमने इस चैनल पर आपको गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की संपूर्ण यात्रा और प्लानिंग से संबंधित वीडियो बनाकर दी थी, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर आप वो वीडियोज भी जरूर से देख सकते हैं। अगर आप भी यमुना नदी का उद्गम स्थान यानी कि यमुनोत्री जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि यमुनोत्री कैसे जाया जाए, कब जाया जाए, कितना खर्चा आएगा, होटल और रहने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, जाने का साधन कैसे और कहां से है, और आपको अपना ये टूर किस प्रकार से प्लान करना है। देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक और शेयर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो कि चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप यात्री सेंट्रल चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यमुनोत्री धाम के कपाट इस साल यानी कि 2022 में 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे और अमूमन ये नवम्बर के पहले या दूसरे हफ्ते तक खुले रहेंगे। उसके बाद सर्दियों में भैया दूज के दिन के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा में सबसे पहले जिस तीर्थ स्थान का नाम लिया जाता है वो यमुनोत्री ही है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10,800 फीट के आसपास है। यही वो स्थान है जहां से यमुना नदी निकलती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यमुनोत्री आपको पहुंचना कैसे है। दोस्तों, यमुनोत्री या फिर चार धाम की यात्रा के किसी भी स्थान पर जाने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश या फिर हरिद्वार आना होता है। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 25 किलोमीटर की है। आप अपनी सुविधा के अनुसार हरिद्वार या फिर ऋषिकेश बाई रोड अपनी गाड़ी से, टैक्सी से या फिर बस के माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ की कनेक्टिविटी आसपास के सभी बड़े शहरों और नियर बाई स्टेट्स से काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा रेल मार्ग से भी आप ऋषिकेश या हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करके आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट है, जिसकी दूरी ऋषिकेश से 20 किलोमीटर की है। चलिए, एक बार आप हरिद्वार पहुंच गए तो यहाँ से यमुनोत्री जाने के लिए केवल सड़क मार्ग ही है। यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है जानकी छट्टी। आज के वर्तमान समय में यहीं तक ही सड़क मार्ग बनी हुई है, यानी कि आपको अपनी गाड़ी, बस या फिर टेम्पो ट्रैवलर, टैक्सी आदि से यहां तक पहुंचना होता है और इसके बाद पैदल रास्ता तय करते हुए यमुनोत्री धाम के दर्शन करने पड़ते हैं। आपको यहां तक पहुंचने के लिए हर दिन सुबह सुबह हरिद्वार बस अड्डे से नियमित रूप से बस सेवा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत सी ट्रैवल एजेंसीज हैं जहाँ से आप अपने लिए टैक्सी, जीप, टेम्पो ट्रैवलर बुक करके जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप शेयर्ड जीप या टाटा सुमो में भी जा सकते हैं। इसके अलावा जानकी छट्टी तक आपको अपने प्राइवेट गाड़ी से भी जाने का ऑप्शन है। दोस्तों, हरिद्वार से यमुनोत्री जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता देहरादून, मसूरी, बरकोट होते हुए जाता है। इसकी दूरी 223 किलोमीटर पड़ती है। और दूसरा रास्ता ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा, टिहरी और बरकोट होते हुए जाता है। इस रास्ते की दूरी 262 किलोमीटर पड़ती है। ये दोनों ही रास्ते बरकोट नाम की जगह पर आकर मिलते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो इस यात्रा को करने में आपको 8 से 9 घंटे लग जाते हैं, चाहे आप किसी भी रूट से जाएं। अमूमन बस का किराया 400 रुपये के आसपास का पड़ता है। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो भी आपको 6 से 7 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है और इस पे गाड़ियाँ धीमे चलती हैं। टैक्सी आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के आसपास बहुत से ट्रैवल एजेंट्स के पास से मिल जाएगी। चलिए, एक बार आप जानकी चट्टी पहुँच गए तो वीडियो के अगले सेक्शन में बात करते हैं कि आपको यहाँ पर रुकने की क्या क्या व्यवस्था है और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के बहुत से गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जैसे कि GMVN फुल चट्टी, अतिथि निवास, GMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस आदि। इनको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि यात्रा के सीजन में यहाँ पर बहुत रश और भीड़ हो जाती है, तो ऑनलाइन बुकिंग करने से आपको फायदा मिल जाएगा।
इसके अलावा यहाँ बहुत से होटल्स, प्राइवेट रूम्स, लॉजेस और धर्मशाला भी बनी हुई है। इनके रेट अमूमन 600 से 800 रुपए से शुरू हो जाते हैं। बात आती है खाने पीने की, तो यहाँ आपको हर तरफ टेस्टी, सादा और अच्छा वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। खाना खाने में आपका अमूमन 70 से 80 रुपए एक बार का खर्च हो जाता है, अगर हम थाली सिस्टम के हिसाब से बात करें तो। तो दोस्तों, इसके बाद आप आराम से डिनर करके रेस्ट करिए और हमारा डे वन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब वीडियो के अगले सेक्शन में बात करते हैं यमुनोत्री धाम दर्शन की। अगली सुबह सुबह यानी कि डे टू पर आपको उठ के जाना होगा जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की ट्रैक करते हुए यानी कि पैदल यात्रा करते हुए यमुनोत्री धाम। यहाँ पर आपको अगर पैदल यात्रा नहीं करनी है तो आपके पास पालकी, घोड़े और पिट्ठू के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर हम किराए की बात करें तो पालकी वाले अमूमन 2000 से 2500 रुपए लेते हैं, खच्चर या घोड़े का चार्ज 700 से 800 रुपए पड़ता है और पिट्ठू का चार्ज 800 से 1000 रुपए के आसपास का पड़ता है। दोस्तों, हमने ये सभी चार्ज आने और जाने के मिलाकर बताए हैं और इनके चार्ज आपके वजन के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक की 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा काफी रोमांचक और सुंदर दृश्यों से भरी हुई है। इस यात्रा को करते हुए बगल में बहती हुई यमुना नदी इस रास्ते को और भी खूबसूरत बना देती है। रास्ते में आपको बहुत से टी पॉइंट और नाश्ता करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा जगह जगह पर आपको पीने के लिए पानी और विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। दोस्तों, आप अपने साथ यात्रा के दौरान कुछ दवाइयाँ, रेनकोट या फिर छाता जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। इसके अलावा चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और समुद्र तल से इस एरिया की हाइट काफी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर अमूमन गर्मियों के समय भी काफी ठंडा मौसम रहता है, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, इसके बाद आप दर्शन कर लीजिए यमुनोत्री मंदिर का। और अगर आप चाहें तो आप जो एक्चुअल उद्गम स्थान है यमुना नदी का यानी कि सप्त सरोवर कलिंद पर्वत पर स्थित सप्तऋषि कुंड, वहां तक भी जा सकते हैं। इसकी दूरी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की पड़ती है। यमुनोत्री धाम के आसपास यहाँ पर रुकने की कुछ खास व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको दर्शन करके सेम डे वापस जानकी चट्टी तक आना होता है। और डे टू में आपको जानकी चट्टी में ही अपने होटल में रेस्ट करना होगा। इसी प्रकार हमारा डे टू यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद डे थ्री में आप अपनी हरिद्वार या ऋषिकेश की वापसी की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चार धाम की यात्रा एक साथ कर रहे हैं तो फिर आप अपने अगले धाम यानी कि गंगोत्री धाम की ओर प्रस्थान भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी यमुनोत्री धाम का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कम से कम 3 से 4 दिन का जरूर प्लानिंग करिए, क्योंकि एक दिन आपका हरिद्वार से यमुनोत्री आने में, एक दिन दर्शन करने में और एक दिन वापस जाने में खर्च हो जाता है। अगर आप मई या जून में यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस समय आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और इसी समय यहाँ के सभी खाने पीने और होटल के रेट्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अगर यहाँ जाने के सबसे बेस्ट मौसम की बात करें तो आपको सितंबर और अक्टूबर में यहाँ जाने का प्लान करना चाहिए। इस समय यहाँ पर भीड़ भी कम रहती है और मौसम भी खुशहाल रहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो के आखिरी सेक्शन में बात करते हैं कि यमुनोत्री धाम दर्शन करने का आपको कितना खर्चा आएगा। अगर एक नॉमिनल बजट लेकर चलें तो एक आदमी का हरिद्वार से यमुनोत्री आने जाने का 800 से 1000 रुपए और यमुनोत्री यानी कि जानकी चट्टी में रुकने और खाने का 1000 रुपए से 1500 रुपए खर्च होगा, यानी कि कुल आप 2500 से 3000 रुपए में दर्शन आराम से कर लेंगे। दोस्तों, इस किराए में हमने एक नॉमिनल बजट रूम और बस या फिर शेयर्ड गाड़ी का किराया जोड़ा। आपके शहर से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आने जाने का किराया अलग अलग होगा। तो ये था यमुनोत्री धाम का एक कंप्लीट टूर प्लान। आने वाले दिनों में हम यात्री सेंट्रल चैनल पर चार धाम का एक कंप्लीट 10 दिनों का टूर प्लान भी लेकर आने वाले हैं, जिससे कि अगर आप पूरी चार धाम की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो कि यमुनोत्री धाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई यात्रा के साथ अगले वीडियो में। तब तक घूमते रहिए, सुरक्षित रहिए।